प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 मई को प्रतापगढ़ में भाजपा प्रत्याशी संग्राम लाल गुप्ता के लिए जनसभा की और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने प्रतापगढ़ में कहा कि कांग्रेस देश के विकास का मजाक बना रही है। सपा और कांग्रेस का मानना है कि देश का विकास अपने आप हो जाएगा। हमने शौचालय बनवाए तो सपा कांग्रेस ने कहा इससे क्या होगा। भाजपा ने पक्का घर गरीबों को दिया तो कहा कि इससे क्या होगा। वर्षों शासन करने के बावजूद देश के 85% घरों में नल से जल नहीं था। हमने 14 करोड़ गरीबों तक पीने का पानी पहुंचाया। जीआईसी में आयोजित जनसभा में भारी भीड़ भी उमड़ती हुई नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लोग सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि सत्ता में आने के बाद आर्टिकल 370 वापस कर देंगे। ये लोग पाकिस्तान के पास जाएंगे, कबूतर उड़ाएंगे। सपा और कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है। देश जब आजाद हुआ था तो भारत 6 नंबर की अर्थव्यवस्था थी। कांग्रेस ने वर्षों शासन करने के बाद अर्थव्यवस्था को 11 नंबर पर ला दिया था। 2014 के बाद भाजपा की सरकार आने के बाद कड़ी मेहनत के बाद अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर लाई है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार तीसरी बार सत्ता में आई तो देश को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, ये मोदी की गारंटी है। सपा और कांग्रेस के लोग ना मेहनत के आदी है ना ही नतीजे, लोगों की इनमें सामर्थ है। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि अमेठी से भगाए गए हैं और अब रायबरेली से भी भगाए जाएंगे। देश चलाना सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए बच्चों का खेल नहीं है, यह आपसे नहीं हो पाएगा। 4 जून के बाद मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन और भी बहुत कुछ होने वाला है। 4 जून के बाद इंडी गठबंधन टूट कर बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट खटाखट। शहजादे चाहे लखनऊ या दिल्ली वाले हो, ये शहजादे गर्मी की छुट्टी पर विदेश निकल जाएंगे, खटाखट खटाखट। किसी ने बताया कि टिकट बुक कराने के लिए भी बोल दिया है। करीब 27 मिनट के भाषण में पीएम मोदी के निशाने पर सिर्फ सपा और कांग्रेस ही रही। उन्होंने एक बार फिर मायावती या बसपा का नाम नहीं लिया। पूरे भाषण में वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर भी हमला बन रहे। वो दोनों को शहजादे करके संबोधित करते रहे। सपा को पिछड़ी जाति का विरोधी और कांग्रेस को ओबीसी आरक्षण विरोधी बताया।